अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नया व्लॉग है, इस वक्त वर्कशॉप आ गए। जो बंदे नए हैं चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अभी हम आपको दिखाते हैं 88 का नया प्रोसीजर क्या हो रहा है। तो माशाल्लाह से हमारी जो फ्रंट हेडलाइट्स हैं वो तो आप पहचानी नहीं जा रही, ये सारा मौसम का कमाल है। अंदर से भी सारी साफ़ सुथरी हो गई है, और थोड़ा क्लोजली दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं अंदर इन्हें क्रोम स्प्रे एजेस, वो अंदर वाला तो फिर थोड़ा बेहतर था। यहाँ पे वो आपको याद होगा रस्ट थी, मैल जमी हुई थी, मिट्टी नज़र आ रही थी, तो उसके अंदर रस्ट भी थी, तो वो सारी क्लियर होगी। इसका शीशा खोला, अंदर से सारा साफ़ हुआ, शीशा भी बफ हुआ अंदर से भी बाहर से भी। और ये रही दूसरी हमारी लाइट, तो ये दोनों हो गई बिल्कुल क्लीन। ऊपर से आपको दिखा दूं और पीछे से तो ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। ये बैक बॉडी भी आप देख सकते हैं, तो मेहनत तो हो गई है इस पर, मगर ये काम भी अच्छा हो गया। बाकी ये हमारी लाइट्स हैं, पार्किंग वाली हम चेंज कर रहे हैं। बात हो गई थी हमारी उमर भाई से, तो इसको हम या तो काबली डालेंगे या ब्रांड न्यू डाल लेंगे। फ्रंट बम्पर है, ये रहा बैक बम्पर। बैक बम्पर वही है जो गाड़ी के साथ आया था, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है, चल सकता था, तो इसको हम चेंज नहीं कर रहे। जहाँ पे पुटिंग रिक्वायर्ड थी लगा दी है, साथ साथ सैंडिंग हो रही है। बम्पर्स में माइनर रिपेयरिंग्स वगैरह थी प्लास्टिक की, तो वो मॉसिंग कर चुका है। सीक्रेट अच्छी नहीं है। चाय मंगवाएंगे या नहीं? चाय मंगवा दें यार। बाकी 88 की नई अपडेट्स ये है कि जी वो आपको सामने नज़र आ रहा है सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, ये सिक्योरिटी वाला नहीं है। बस इसका काम इस हद तक है कि बटन दबाएं और आपकी गाड़ी लॉक अनलॉक करेगा। सिक्योरिटी वाला हमने नहीं लगाना, वो लगा हुआ था ख़राब हो जाता है। ऊपर से वो यहाँ पे वो लाइट लगी हुई होती है, बैटरी भी बड़ी कंज्यूम करता है, इसलिए हमने सोचा कि उसको हटाएं जी। वायरिंग भी उसकी काफ़ी एक्स्ट्रा होती है। वो कीज़ दिखाएँ ज़रा इसकी, दोनों की है, एक वो रिमोट है, दोनों की है। अच्छा, दोनों रिमोट की है, तो ये इसके साथ आए हैं देखें। बाकी इसमें सायरन तो नहीं है ना? सायरन नहीं है, बस ये वैसे उस पर साइन दिया हुआ, एक पैटर्न बना हुआ होता है, हाँ, पर हम नहीं लगाएंगे, वो नहीं चाहिए। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें हैं डैशबोर्ड की, असल में कर रहे हैं वायरिंग और मीटर के, जैसे आपको बताया था मीटर के बल्ब सभी चेंज करने, तो बस इंशाल्लाह साथ साथ ये प्रोग्रेस चल रही है। तो अभी तक की नई अपडेट्स 88 के हवाले से जो हैं इस वक्त यही है। यहाँ के जो हमारा वो कवर था वो भी हमने मंगवा लिया है, वो लगा देंगे इंशाल्लाह, ले आए थे उसामा भाई। तो अभी हम फरियाद भाई के पास आए हैं, देखें साइड मिरर हो रहे हैं 88 के रोला के, स्टैंडिंग कर रहे हैं। वो पेट्रोल वाला फ्यूल लिट पड़ा हुआ है, उसको भी कर लेंगे। अच्छी बात यह है कि ट्रंक वो पड़ी हुई है, बम्पर इसके रेडी हो गए हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था थोड़ा सा पुटीन का काम हो रहा था, तो माशाल्लाह से जी हो गया हमारा कंप्लीट। ये है कि अब इसकी फिनिशिंग देखें, माशाल्लाह बहुत ही साफ़ सुथरा और प्यारा काम हो गया है इसका। अब हमने ये करना है, जो ब्लैक पार्ट्स थे ना बम्पर में, जो गोला होता है 90 के रोला में वाइट आया और थोड़ा चौड़ा होता है। ऑल दो हमारी 88 है, पर हम इसकी लुक्स वाइज थोड़ी सी कंडीशन ऐसे कर देंगे AE90 वाली, इसके गोले वाइट ही होंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह फिनिशिंग बहुत अच्छी होगी बम्पर इस वक्त, प्राइमर में भी बहुत अच्छा लग रहा है कंडीशन वाइज। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट डे, और अभी करोला 88 के कुछ काम हैं जिसमें बम्पर्स वगैरह छोटा सामान पेंट हो रहा है, पेंट बूथ में वहाँ चलते हैं, वो दिखाते हैं। कुछ इंटीरियर के पार्ट्स हैं जो पेंट होने थे, वो मैंने दे दिए थे इधर चांद भाई को, वो अभी मैं आपको पहले दिखाता हूँ। तो ये रहा जी सारा सामान जो हमने मैरून कलर में पेंट करना है, जिसमें कि ये आ गया आपका पैनल, ठीक है। इसके अलावा ऊपर का ये आपका एयर रेस है, उसके पार्ट्स हैं, स्टीयरिंग का हॉर्न है, ये वेंट्स हैं, साइड बैक व्यू मिरर है, ऊपर की लाइट आ जाती है, ये स्टीयरिंग वाले कवर है। तो ये सारा जो पार्ट है ये हमने इसको मैरून कलर करना है। पेंट बूथ में चलते हैं या पहले वो सामान हो जाए कलर, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पेंट बूथ में सामान है और वो काम कर रहे हैं इस वक्त, पेंट हो जाए तो फिर पेंट बूथ के अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा हुआ है। थोड़ा लेट हो गया मैं बूथ के अंदर, आपको दिखा नहीं पाया, ऑल दो इस पर हीट अप्लाई करके प्रॉपर पेंट हो गया। आप देख सकते हैं हैंडल्स हो गए हमारे,
ये गोले जो पेंट होने थे ये भी हो गए। बम्पर बहुत प्यारा पेंट हुआ है माशाल्लाह। ये देखें शाइन उसकी, जैसे आपको नज़र आ रहा है इससे ज़्यादा शाइन मुझे रियल यानी लाइफ नज़र आ रही है। तो बम्पर बहुत ही प्यारा पेंट हुआ है माशाल्लाह। ये बैक फ्रंट बम्पर है, ये बैक बम्पर है, ये देखें। ये हमारा सारा सामान हो गया जो छोटा सामान था, उसके अलावा साइड मिरर्स वो सामने पड़े हुए, जगह नहीं जाने की वरना वहाँ पे जाके आपको दिखा देता। ये फ्रंट का गोला है जो लाइट के नीचे आता है, और वो फ्यूल लिट भी पड़ी हुई है वहाँ पे। तो ये हमारे पार्ट्स हो गए हैं कंप्लीट, अब हम चलते हैं इंटीरियर वाले पार्ट भी हो गए हैं पेंट, वो आपको दिखाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा पेंट हो गया है। इंटीरियर का जो जो पार्ट था थोड़ा क्लोजली आपको दिखा दूँ तो पेंट बिल्कुल मैच है, क्योंकि इसकी मैचिंग हमने की है जो पिलर की पट्टी होती है प्लास्टिक की, उसके साथ कलर मैच किए और पेंट हो गया। ये देखें बड़ा अच्छा पेंट हो गया। बाकी ये थोड़ा सा रिपेयर था, पुटीन मैंने इसमें नहीं फिलअप करवाई, एक इसमें और एक इस पैनल पे, क्योंकि वो फिर फट जाती है, तो पुटीन ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा सा वो रफ दिखेगा पर ये है कि पुटीन होगी वो फट जाएगी, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया कि ना किया जाए ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये स्टीयरिंग वाले कवर हो गए और छोटे सारे पार्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। मुबारक हो हमारा कवर लग गया, उसामा भाई ने मेहनत की है, अभी ये लगा दिए। और ये है उमर भाई, मुइज़ भाई, ये देखें मोटर की हालत बहुत ख़राब है, अंदर सारा जंग से और ये जल भी गई है, ये सारी ख़राब है। तो अब इसका क्या हल है, रिप्लेस करेंगे? इसका हल यही है कि रिप्लेस हो ज़्यादा बेहतर है, बस फिर ये मंगवा लें, पता कर लेना, ये काबली मिलेगी तो मंगवा लें बस ये। तो ये हमारा वाइपर असल में जो इशू आ रहा था इसकी वजह से, पहले हमने करंट वगैरह सारे चेक किए, फिर इसकी मूवमेंट नहीं थी, इसमें वो आता है एक बुश वो यूजली ख़राब होता है, तो पहले उसको चेक करना था, हमें शक था कि वो ख़राब हो गया, पर वो अंदर से सारी ख़राब है, पानी गया हुआ है, गली भी है। तो बस ये थी आज की अपडेट्स करोला 88 के रिगार्डिंग। उम्मीद है आप लोगों को इसका कंटेंट पसंद आ रहा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग में फर्दर डिटेल्स के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।